अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है ईद अच्छी गुजर गई होगी। कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कैनन TP9DA की, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई ख़राबी आ गई जिसकी वजह से उसको दोबारा भी बनाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि इस पिस्टल में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत यूनिक हैं। मैंने पहले भी शायद 2-3 वीडियोज़ बनाई थी कैनन पिस्टल्स पे, और उसमें ज़्यादातर मैंने ये कवर किया था क्योंकि कैनन की एक बहुत बड़ी लाइनअप पाकिस्तान में आई है, और मतलब सब कम्पैक्ट से लेके कंपटीशन शूटिंग तक के जो ज़बरदस्त किस्म के पिस्टल्स हैं, तो उन सारों की एक पूरी लाइनअप पाकिस्तान में आई हुई है और बड़ी अच्छी क्वालिटी है और वैल्यू फॉर मनी मेरे ख्याल में बड़े अच्छे पिस्टल्स हैं। तो ये कैनन TP9DA एक ऐसा पिस्टल है जो स्ट्राइकर फायर में उन्होंने सिंगल एक्शन डबल एक्शन भी डी कॉकर दिया है, जो एक बहुत यूनिक फीचर है। सो इस पिस्टल में दो बड़े ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इस पर एक वीडियो, एक डेलिब्रेट किस्म की वीडियो बनानी पड़नी चाहिए और पड़ती है, क्योंकि लोगों को जनरली इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। और इसके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी डीकॉकर फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कि हैमर फायर में क्या होता है और क्या स्ट्राइकर फायर में उसका कॉन्सेप्ट है या नहीं है और ये किन लोगों के लिए है। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जिन लोगों को समझ नहीं है, ज़रूरत है काफ़ी सारे लोगों को समझ होती है, और जिनको नहीं है तो उनको ज़रा ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाए। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन से चलते हैं वीडियो की, इसका वीडियो जरूर देखते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कैनन TP9DA पिस्टल की। तो एक तो पहले जिस तरह ये सारे प्लास्टिक बॉक्स में आते हैं, और ये इसके अंदर इसका मैनुअल होता है यहाँ पे, और क्लीनिंग रॉड और ब्रश है यहाँ पे इसके, पिस्टल बजाते खुद है, उसके साथ एक होल्स्टर आता है जो चेंजेबल है OWB से IWB में, उसके बाद दो मैगजीन्स हैं 18 राउंड मैगजीन स्पीड लोडर है, और चेंजेबल बैक स्ट्रैप्स हैं इसके 2 अदद मुख्तलिफ साइज़ के लिए, और ये कोई थोड़ी बहुत इसकी मेरे ख्याल में अच्छा ये टूल है एलन की वगैरह है इसकी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब जो इस डब्बे में आती हैं। तो डब्बे को हम साइड पे ज़रा रख देते हैं, और ये चीज़ें आपने देख ली जो पिस्टल के साथ आ रही हैं थोड़ी साइड पे रख देते हैं, और हम बात इस पिस्टल के बारे में ही बात करते हैं। ब्रांड न्यू पिस्टल है जनाब। अच्छा, कुछ चीज़ें तो पहले, सबसे पहले मैगजीन निकाल इसको हम चेक कर लें, एम्प्टी है चैम्बर, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि जी टर्किश पिस्टल है, चाइना की है, जैनिक आपको पता है बहुत बड़ा लाइनअप पाकिस्तान में इसका आया है, और मुख्तलिफ किस्म के पिस्टल्स हैं, सब कॉम्पैक्ट जो है, सब लीड जिसे कहते हैं उससे लेके, तो मैटस सीरीज़ भी आ गई अभी, उसके बाद एलीट कॉम्बैट आ गया है, उसके बाद राइवल जैसे आ गए हैं, तो बेतहाशा किस्म के पिस्टल्स इनके आ चुके हैं जो कि सब कॉम्पैक्ट से लेके तो फुल फ्रेम तक मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में है। इस पिस्टल की दो कलर्स में आता है, एक ब्रॉन्ज में और एक ब्लैक में। ये वाला ब्लैक है जिसकी नाइट्राइट फिनिश है स्लाइड पे, और बाकी पॉलीमर फ्रेम है। स्पेक्स इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि लेंथ 7.1 इंचज़ है, और हाइट इसकी तकरीबन 5.4 इंचज़ है, वेथ इसकी 1.3 इंचज़ है, वेट विदाउट मैगजीन्स तकरीबन 785 ग्राम्स है अनलोडेड। मैगजीन कैपेसिटी 18 राउंड की है इसकी। ये जो पाकिस्तान में आया है ये 9 mm है, 9x19 जिसको कहते हैं, जो बाकी मेरे ख्याल में टर्की में 0.40 या मे बी US में भी 0.40 में SNW में भी गया है। पिस्टल स्ट्राइकर फायर्ड है, और ज़बरदस्त फीचर स्ट्राइकर फायर के अंदर के 6 सिंगल एक्शन डबल एक्शन और डीकॉकर की फैसिलिटी है, जिसके बारे में आगे बात करूँगा, जो रिव्यू बनाने का मकसद एक्चुअली यही है। और उसके बाद जनाब इसमें सेफ्टी में होता है फायरिंग पिन ब्लॉक है, इसमें डीकॉकर है, इसमें मैक रिलीज जो है वो चेंजेबल है राइट से लेफ्ट करके, स्लाइड स्टॉप जो है वो एक ही लेफ्ट साइड पर ही है, इसके अलावा टेक डाउन लीवर्स वही हैं जो कैनन के सारे लाइनअप में हैं, जो जिसके बारे में मैं खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा फीचर है, जब इसको बाकी इस तरह के स्ट्राइकर फायर पिस्टल्स के साथ कंपेयर करें, जिनको यहाँ पे एक बड़ी कोई अभी मैं उस पिस्टल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो बड़ी अनकम्फर्टेबल सी उसकी होती है, बहरहाल हो तो जाता है वो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जी बैक स्ट्रैप्स जैसे मैंने पहले बताया इसके साथ दो हैं,
साइट्स इसकी वारंटी टेक्टिकल आती हैं और पिकनी ट्रेल वगैरह है। तो ये मोटे मोटे फीचर्स तो मैंने बता दिए, अभी हम आते हैं फॉर्मली रिव्यू पे कि जी 18 राउंड की दो मैगजीन्स हैं, मैगार की, मैगार इटालियन है जिसका मैं पहले गालवन बता चुका हूँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी की मैगजीन्स बनाते हैं और मैंने देखा है फॉलर स्प्रिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है इसको, मैंने बहुत अर्सा पहले शूट करके भी देखा है तकरीबन 6-7 माह पहले, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मैगजीन लोड करने में इस तरीके से नहीं होता कि आपको स्पीड लोडर, लेकिन स्पीड लोडर ने दिया हुआ है क्योंकि 8-10 राउंड के बाद थोड़ा सा वो टाइट हो जाते हैं जिस तरह एक नया पिस्टल को होता है या होना चाहिए। फ्रेम के ऊपर आते हैं तो पॉलीमर का फ्रेम है जी, ब्लैक कलर में ये, और दूसरा जो इनका आता है वो होता है ब्रॉन्ज कलर में, बड़ा खूबसूरत है वो भी। पिस्टल की साइज़ के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फ्रेम को एक साइड से शुरू करें तो जो ग्रिप है इसकी फ्रंट साइड पे ये चेकरिंग सी हुई हुई है और इस साइड पे भी चेकरिंग हुई हुई है जो कि होल्ड में आपको हेल्प करती है, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं है कि अनकंफर्टेबल बंदे को फील नहीं होता। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ, हर लोगों का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है आपको हाथ पे फील नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ग्रिप के बारे में बात करें तो ये आजकल एक स्टैंडर्ड फीचर ज़्यादातर पिस्टल्स में यही आ गया है। आप ये देखिएगा कि यहाँ पे इसका जो ट्रिगर गार्ड है उसके ऊपर भी हल्की सी ये चेकर सी लाइनिंग सी हुई है, और ये एक अंडरकट दिया होता है जो ग्रिप में शायद ज़्यादा बेहतर आपको होल्ड में ज़्यादा आसानी होती है, और जिस तरह की ये शेप इन्होंने इसकी की हुई है बीवर टेल की, तो ये भी ग्रिप में आपको हेल्प करती है। दूसरी बात ये है कि एक लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, ज़्यादातर ये इस पिस्टल को मैं ये कहूँगा कि राइट हैंडेड लोगों के लिए बेहतर इसलिए है कि इसका डी कॉकर लेफ्ट साइड पर है, तो ये चेंजेबल है नहीं, इस जिसकी वजह से बैरल लेफ्ट हैंडेड भी यूज़ कर सकते हैं, उनको तरीका ढूंढना पड़ेगा कैसे उसको इस्तेमाल करें। और ग्रिप के दोनों साइड्स पर ये थंब इम्प्रेशन से बने हुए हैं, सो अगर आप राइट हैंडेड हैं या आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप इस तरीके से इसे पकड़ सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे हल्की सी इन्होंने वो मार्क्स या इसको मैं क्या कहूँगा थंब इम्प्रेशन है या मेमोरी पैड टाइप दिए हुए, इस साइड पे मेन टर्की वाला है लेकिन दूसरी साइड पे बिल्कुल है जी, कि जहाँ पे आपका थंब या कोई फिंगर आती है अगर आप इस तरह लेफ्ट हैंडेड है फायर करने के लिए, तो डिपेंडिंग कि आप किस हाथ से फायर करते हैं। इसके अलावा 1913 पिकनी रेल 3 स्लॉट्स की है, इसके अंदर क्वालिटी बिल्ड की बड़ी अच्छी है। फ्रेम की हमने बात कर ली, अब हम स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो स्लाइड आप ये देखिएगा कि ज़्यादातर पिस्टल्स अभी जो नया आ रहे हैं उनमें फ्रंट रियर दोनों पे कॉकिंग सेलेशंस होती हैं, इस पिस्टल में सिर्फ रियर पे हैं जो कि दोनों साइड पे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, मतलब आपको स्लाइड को रैप करने में आसानी होती है जो कि एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा स्लाइड में हल्के से ये वो कट्स दिए हुए जो मे भी ग्रेटर एक्शन भी होगी प्लस थोड़ा डिज़ाइन में भी खूबसूरती इसको देते हैं। साइड्स का मैंने बताया कि वॉरन टेक्टिकल हैं, फ्रंट साइड जो है वो सिंगल डॉट है, पिछली वाली बिल्कुल ब्लैंक है, तो नॉट बैड साइड पिक्चर आपको बड़ी अच्छी मिलती है। पिस्टल के फीचर्स में आ जाते हैं तो पहली चीज़ के कॉकिंग इंडिकेटर आ जाता है जब आप उसको स्लाइड बैक करके इसको कॉक कर देते हैं पिस्टल को। अब मैं आता हूँ इसकी ज़रूरी बातों पर जिसकी वजह से ये पिस्टल बनाया गया या मशहूर हुआ या जिसकी वजह से ये कहा गया कि कैनिक TP9DA बहुत ज़बरदस्त पिस्टल है और उसका जो आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं वो दो हैं। पहली चीज़ कि इसमें डी कॉकर फंक्शन है। अभी डी कॉकर क्या होता है, देखें जो ट्रेडिशनली हैमर फायर पिस्टल्स जितने भी होते हैं, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक वीडियो मैंने बनाई है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो ट्रेडिशनली जो हैमर फायर पिस्टल्स होते हैं उसमें होता क्या है कि उनमें सेफ्टी किसी किस्म की भी होती है, या तो होगी मैनुअल सेफ्टी होगी जो यहाँ पे लगी होगी, या उसमें कोई डीकॉकर फंक्शन भी होगा एट टाइम्स। सो डीकॉकर बेसिकली क्या करता है कि पिस्टल अगर सिंगल एक्शन में रेडी टू फायर कंडीशन में है तो आप उसे डीकॉक जब करते हैं तो वो एक तो हैमर जो है पीछे आ जाता है, वो डबल एक्शन में वापस आ जाता है और वो डबल एक्शन में चला जाता है, और डबल एक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि आपको लंबी ट्रिगर पुल मिलती है तो एक एडिड सेफ्टी आपको देता है, और यही चीज़ उन्होंने स्ट्राइकर फायर में डाली है जो कि एक बड़ा यूनिक फीचर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ, जो हैमर फायर्ड पिस्टल्स पसंद करते हैं जिसके साथ सेफ्टी या डीकॉकर होता है, मोस्टली होता है, मिसाल के तौर पर बरेटा में, मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं मैक्रोव में, तो इन सारे पिस्टल्स में ये सारी चीज़ें हैं।
और भी होंगे, बेताशा पिस्टल्स हैं, मैं अभी सारों के नाम तो ओबियसली नहीं ले सकता, लेकिन सिर्फ बताने के लिए मोटी मोटी बात कि इस तरीके से होता है। या सीजेड के आप पिस्टल्स की बात कर लें। सो डी कॉकर बेसिकली कर रहा क्या होता है, अगर आप बात करें या सीजेड 75P07 की, तो वो आपका हैमर जो होता है वो सिंगल एक्शन से डबल एक्शन की कंडीशन में ले आता है, और दूसरा आपको लंबी ट्रिगर पुल देता है। अभी उसका क्या होता है, मैंने स्लाइड ड्रैग किया, पिस्टल को मैं फायर करना चाह रहा हूँ, तो इसका इंडिकेशन क्या है सिंगल एक्शन की, जब ये इधर पिस्टल आ, ये देखिए मैं ट्रिगर जैसे जैसे दबाता जा रहा हूँ, ये अगर एक जगह पे आके टक करके लॉक हो गया, अभी ये रेडी टू फायर कंडीशन में है। मैंने इस पिस्टल को होल्स्टर करके रख लिया, जब मैंने इसको निकालना है और तो मैंने सिंपल निकाल के और फायर करना, तो ये सिंगल एक्शन में आप देखिएगा ट्रिगर पुल बहुत छोटी होगी, ये इसने फायर कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था कि जी बिल्कुल सही है सिंगल। सो एक्चुअल क्या बात हो रही है कि ये जो ट्रिगर पुल जो यहाँ पे आके लॉक हो रही है, ये सिंगल एक्शन की इंडिकेशन आपको दे रहा है, या उसका बिहेवियर जो है उसको अंग्रेजी में मेमेक कहते हैं, उसकी मतलब वो आपको बिहेवियर दिखा रहा है कि ये सिंगल एक्शन में रेडी टू फायर है। मैं इसे डबल एक्शन में अगर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप एक बटन देख रहे हैं, ये है, इसको मैं दबाऊँगा और आप देखिएगा कि यह ट्रिगर वापस चला जाएगा। अच्छा, अभी क्या हुआ, अभी कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रिगर दोबारा जब वापस चला गया तो डबल एक्शन। तो आपको क्या फ़र्क क्या मिल रहा है कि आपको लॉन्गर पुल मिल रही है। पहले क्या था कि अभी आप ये देखेंगे इस केस में पिस्टल डायरेक्टली फायर कर लेगा, ठीक, और बड़ा ज़ोर लगाया, ऑलमोस्ट मेरा हमें 9-10 पाउंड की इसकी पुल होगी। पहले क्या था, पहले यहाँ पर रुका हुआ था, मैंने फायर करना था तो टक करके जी फायर हो गया, लेकिन इस केस में मैंने इसको सिंगल एक्शन से डबल एक्शन में चेंज किया डॉक्टर दबा के, अभी ये डबल एक्शन में आ गया जी, और आप ये देखें कि ठीक ठाक पुल के बाद ये फायर हुआ है। सो एक तो ये फीचर है जो कि उन लोगों के लिए है जो चैम्बर के अंदर राउंड रख के तैयार रेडी कंडीशन में पिस्टल को घूमते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो ये नहीं चाहते कि किसी भी वजह से सिंगल एक्शन में पिस्टल तैयार हो, चैम्बर के अंदर राउंड हो और एक्सीडेंटल या किसी किस्म का डिस्चार्ज हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि होल्स्टर करने से पहले इसको डबल एक्शन में चेंज कर देते हैं। सो आपको एक एडिड लेयर ऑफ सेफ्टी मिल जाती है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ इस पिस्टल में एक बहुत अच्छी जो मुझे पता चली कि इसमें डबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। डबल स्ट्राइक का क्या है कि जी आपने पिस्टल को रेडी टू फायर कंडीशन में किया, फायर किया, अच्छा प्राइमर पे स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया लेकिन गोली फायर नहीं हुई। अभी उसकी एक प्रॉपर ड्रिल होती है कि आप 30 सेकंड उसी डायरेक्शन में पकड़े रखते हैं और इस तरह, वो तो रेंज के ऊपर है, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता कॉम्बैट में हैं फिर आप क्या करेंगे। नॉर्मल पिस्टल में ये होगा कि अगर गोली ने फायर नहीं किया तो आप स्लाइड दोबारा रैक करेंगे और फिर फायर करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़ाया हो जाता है। खुदा ना खास्ता आप उस कंडीशन में आ गए हैं कि आपने किसी पिस्टल इस्तेमाल करना है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा स्लाइड ड्रैग करना पड़ेगा। इस पिस्टल में ये खास बात यह है कि आपने फायर किया, नहीं हुआ फायर, आप दोबारा ट्रिगर पुल कर सकते हैं, वो फायर करेगा, आप तीसरी दफ़ा पुल कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये आप इनडेफिनेटली तो नहीं कर सकते, लेकिन कहने का मतलब है कि एक दफ़ा और कर लें, हो सकता है फायर हो जाए, ना हुआ तो फिर आपके पास ये ऑप्शन तो है ही। ये चीज़ थी, अभी एक ये फीचर्स तो मैंने बता दिए, और मेरे ख्याल में एक छोटा सा ऑपरेशन इसका कर लेते हैं, इसको खोलने की और बंद करने का, तो बड़ा सिंपल सा जी तरीका, स्लाइड स्टॉप इंगेज किया और ये टेक डाउन लीवर्स को यहाँ पे किया थोड़ा सा, पिस्टल को आगे ला के हमने फायर करके और ये निकाल, इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख लीजिए, मुझे ख्याल में जिस तरह कहने के जितने पहले मैंने देखे हैं उसी तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये इसका ट्रिपल स्प्रिंग हो गया और ये इसका बैरल, और ये अगर जनाब स्लाइड वापस करने के लिए, मैं बार बार बताना नहीं चाहता, लेकिन रियली कैनिक ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, जो पहली लॉट आई थी 2011-12-8-10 के ज़माने से लेके अभी तक, तो कैनिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो जनाब ये एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा मैं देखूंगा नेक्स्ट टाइम कोई और पिस्टल इस तरह का हुआ तो मैं आपको ज़रूर उसके साथ रिव्यू लेके आऊँगा। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।